लफ्जों में कहां, दिलों की होती है जुबान, वो जानते ही नहीं ऐसे होती है नजरों से बयां. क्यों रखा? हाँ, मैं तो इस इंतजार में था कि तुम ये बात मुझे बताओ, लेकिन तुमने मुझसे सब कुछ छुपाया. आ गई तुम. चलो, तुमने तो बेवफाई नहीं की, बहुत शुक्रिया. इतनी रात गए, प्लीज आइंदा दरवाजे में मत आइए. जो भी बात हो हम सुबह कर लेंगे. आप क्या समझती हैं, क्या मैं तहम्मुल मिजाज नहीं हूँ? यकीनन कोई किसी देव से जाके कहे कि वो तहम्मुल मिजाज है. अस्मत यार, तुम अकेले रह गए इन पहाड़ों में और बीमार पड़ गए. काश मैंने अपना ठिकाना किसी को बता दिया होता. और इस टेलीफोन के सिग्नल तो यहाँ आने का नाम ही नहीं लेते. अल्लाह, आ गई, सिग्नल आ गए. शुक्र है फोन में सिग्नल तो आए. ओह मेरे मालिक, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मेरी दुआ कबूल कर ली. कुर्बान जाऊं तेरी अजमत पे मेरे मालिक, कुर्बान जाऊं. दादी, अगर भाई और हयात दोनों घर पर हैं तो आकर हमारे साथ मूवी देखें. तुम देख लो मूवी, उन्हें क्यों बुला रहे हो? आ जाओ हशमत, तुम कहाँ चले गए हो? अल्लाह, मेरी तौबा तौबा. दादी जान, जरा मोबाइल तो दीजिए अपना. अरे क्यों दूं तुम्हें? अब तो देखना पड़ेगा कि ऐसा क्या है. हरगिज नहीं दूंगी, मेरा अपना मोबाइल है. रात बहुत हो गई है, मैं सोने जा रही हूँ. गुड नाइट. आज तो बहुत खुश हैं दादी जान. अच्छा बात सुने, अपना ये मोबाइल कहीं रखकर भूल मत जाइएगा, वरना मेरे अलावा कोई भी इसे देख सकता है. मैं अपने मोबाइल की हिफाजत करना जानती हूँ. मुझे सिखाने चला है. या अल्लाह, हमारी दादी जान कभी दुखी ना हो, इनका साया यूं ही हम पर बना रहे. मुराद साहब अब एतबार नहीं करेंगे. क्यों करना चाहिए? तुम बिल्कुल काबिले एतमाद नहीं हो. देखो, मुझे पूरा यकीन है कि अली उसी घर में रहता है. जरूर लैला मैम ने बात सुन ली होगी हमारी और रवाना कर दिया उसे. हमने कॉल की, जवाब नहीं मिला. हम उसके घर पर गए, दरवाजा किसी और ने खोला और कहा कि इस नाम का कोई नहीं है. तुम्हें भी एतबार नहीं, लेकिन जो मैंने बताया है उसे साबित करके रहूंगी. कहां हो तुम? तुम हो कहां? आखिर अभी तक तुम उस झूठी और मक्कार औरत के साथ हो ना? अगर वो गाड़ी में है तो अभी उतार दो उसे गाड़ी से. हाँ, हम बस पहुंचने वाले हैं, पहुंचते ही मैं तुम्हें कॉल करता हूँ और मैं गजल को छोड़ते ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा. कोई जरूरत नहीं, यहाँ आना भी नहीं अब तुम करीम. हो सकता है उस गजल को तुम्हारी ज्यादा जरूरत है, अब रहो उसके साथ. देखो, दिल की बुरी नहीं है वो. हाँ, तुम्हें तो सबके दिल का पता है. बड़ा आया, दिल की बुरी नहीं है वो, मक्कार चापलूस औरत. रात को जो कुछ हुआ उसके लिए माफी चाहती हूँ मैं, मुझे नहीं आना चाहिए था. चलें ठीक है, कोई बात नहीं, मैं भी कुछ ज्यादा ही बोल गया. वैसे बात क्या थी? मुराद, तुम्हारी माँ तुमसे झूठ बोल रही है, बल्कि वो सबसे झूठ बोल रही है. अब क्या मतलब है आपका? कैसा झूठ बोल रही हूँ? कल उसने किसी से फोन पर बात की थी, मैंने वही नंबर दोबारा मिलाया, किसी लड़के ने रिसीव किया और कहा जी अम्मी बोलें. ये है वो नंबर, देखो.
इसका मतलब है उसकी याददाश्त नहीं गई, वो ड्रामा कर रही है। अगर ये उसका बेटा है तो उसे कैसे याद है? मैं जानता हूँ सब कुछ। क्या आपसे एक बात शेयर कर सकता हूँ? बोलो क्या बात है? ये बात अभी किसी और को ना पता चले, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। ठीक है, फिक्र ना करो। शुक्रिया, चलता हूँ। एक तो सर्दी, ऊपर से बुखार हो गया, लगता है आज जान निकल जाएगी। ऊपर से रात भर बारिश भी तो हो गई, मेरे साथ आसमान भी रो रहा था। चलो भाई अशमत, तुम्हारा साथ यहाँ कोई तो दे रहा है। चलो इसको देखते हैं, सिग्नल आ गए क्या? कॉल मिलाकर देखता हूँ। लगता है कॉल जा रही है। अस्मी। हेलो हशमत साहब। या मेरे मालिक, तेरा बहुत शुक्र है कि मुझे तो लगता है कि मैं जन्नत में पहुंच गया हूँ। कहाँ हैं आप हशमत साहब, और ये किस जगह से बात कर रहे हैं? अरे, और ये बच्चों की तरह रूट कर बगैर किसी को बताए कहाँ चले गए आप? जो हो गया उसे अब छोड़ो, अभी मेरी तबीयत बहुत खराब है, मैं मर रहा हूँ। क्या मतलब मर रहा हूँ? मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई। आखिर ये सब कैसे हो गया? वो जो मैंने चिकन खाई थी ना, उससे वो खा ली थी ना, तो उसी चिकन का किया धरा है ये सब कुछ। मुझे तो लगता है अजमी कि मेरा वक्त अब पूरा हो चुका है। कैसी बातें कर रहे हो, सबको छोड़ो और आ जाओ यहाँ पर। नहीं आ सकता वहाँ, अब तो जाने का वक्त आ गया है, मैं जा रहा हूँ तुमसे, बहुत दूर जा रहा हूँ। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। हाँ, ऐसा मत कहें हशमत साहब, बस यहाँ आ जाएं जल्दी से। अशहदु अन मुहम्मद अन अब्दुहु व रसूलुह। या अल्लाह तू रहम कर दे। हशमत साहब, अरे हयात, मुराद, कहाँ हो तुम दोनों? जल्दी से ऊपर आओ। अच्छा रुको रुको, मैं वहीं आ रही हूँ। ये दादी जान क्यों चीख रही है? लगता है फिर लड़ाई हो गई है। नाश्ते के बाद देखता हूँ। जल्दी आओ जल्दी आओ, देखो हशमत साहब पता नहीं कहाँ हैं और बीमार हैं। क्या क्या हुआ दादाजी को? देखो बेटा ये खुद देखो। अरे ये हैं कहाँ, इन्होंने कुछ बताया? पता नहीं इस वक्त कहाँ हैं। और इनको फूड पॉइजन हो गया है चिकन खाने से। एक मिनट मुझे बात। हेलो हेलो दादाजी, दादाजी कुछ कहें, हमसे बात करें। हमारी आवाज़ सुन सकते हैं आप? अरे मैं तो कब से चिल्ला रहा हूँ, आखिर तुम लोग सुन क्यों नहीं रहे? दादाजी दादाजी आप कुछ कह क्यों नहीं रहे, हमसे बात करें। बेटा मुराद, मोबाइल जरा अजमी को दो। बात नहीं हुई, यहाँ सिग्नल जरा कम है। आते जाते रहते हैं, बस जरा ठीक हुए अब बात करा दो। अपनी लोकेशन सेंड करें। उन्हें कहाँ आता है, कैसे करेंगे वो? अरे क्या मुझे जाहिल समझते हो, जो ये मोबाइल चलाना नहीं आता? भेज सकता हूँ मैं। हाँ तो जल्दी से सेंड करें ना। आप जल्दी से बताइए कहाँ हैं ताकि हम लोग कुछ कर सकें। अच्छा फोन बंद करो, मैं सेंड करता हूँ अभी। ठीक है। फोन बंद हो गया है? या अल्लाह पता नहीं क्या। दो मिनट रुक तो जाए ना, उन्होंने कहा है मैं कर रहा हूँ। एड्रेस सेंड कर दूं? अरे कहाँ चला गया? हिम्मत करो अशमत, सेंड करो। अभी तक नहीं आया, मुराद तो नहीं कर सक रहे होंगे। तुम प्लीज एम्बुलेंस को कॉल करो, कुछ तो करो, पुलिस को बुलाओ। पहले ये तो पता चले वो कहाँ है। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है, पता नहीं क्या होगा। हाँ आ गया। ठीक है एड्रेस आ गया, मैं अभी एम्बुलेंस को फोन करता हूँ। मैं भी साथ। रुको बेटा मोबाइल दे दो और मुझे इतना देते रहना। ओके ओके दादी जान। करीम दुरुक, ये कोने वाली दुकान से ही लिए है ना? हाँ बिल्कुल। वो तुम्हारी भी कॉल का जवाब नहीं दे रही है ना? मैसेज का भी जवाब नहीं दे रही, बताओ। यार ये लड़कियां ऐसा क्यों कर रही है, मेरी समझ से बाहर है। मैंने बताया था कि मैं काम से गया हूँ, गुस्से से गजल 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 कर जा रही। असली को भी एक ही जिद है, तुम्हारी अम्मी ऐसी है, तुम्हारी अम्मी वैसी है, तुम्हारी अम्मी बहुत बुरी है, लेकिन मैं क्या करूँ, वो मेरी अम्मी है। हाँ ठीक है, हम उनके जज्बात को समझ सकते हैं, लेकिन सारा टाइम तो उन्हें नहीं दे सकते ना। क्या हर वक्त हम उनके दुम छल्ले बने रहें? करीम
देखो दो दिन से मेरे साथ है, दो दिन मेरे साथ क्या रही, खुद को मेरा मालिक समझ बैठी। पिछली बातें भूल जाओ करीम, अभी अपना मुंह बंद रखो। क्यों भाई, मैं मुंह बंद क्यों करूं, मैं तो खुलकर बोलूंगा, मामला खराब होता है तो हो जाए। लगता है खराब हो गया। क्या हुआ? क्या वो पीछे खड़ी है? एपिक भी है? हाँ उसने सुन लिया सब कुछ। दुरुक मुझे अब जिंदा रहने का कोई हक नहीं, मुझे यहीं दफना दो कहीं। बहुत अच्छा है, तो जल्दी करो ना, देख लो यहीं कोई जगह अपने दफन होने के लिए, ये जगह तुम्हारे दफन होने के लिए बुरी नहीं है। तो ये फूल तो ले जाओ मेरी कब्र पर डालने के लिए। आप यहाँ बताएंगे कैसे आना हुआ दुरुक साहब? छोड़ो ना असली वो सब, ऑफिस में जो कुछ भी हुआ था वो सिर्फ गुस्से में हुआ था। देखो तो जरा ये फूल आया हूँ। ओ फिर तो ये फूल ले जाके अपनी अम्मी को दे दे। यार असली इतने प्यार से फूल लेकर आया हूँ, देख तो लो। एम्बुलेंस पहुँच रही है ना, तुमने एड्रेस सही लिखवाया था ना? हाँ एड्रेस सही लिखवाया है, बस पहुँचने वाले होंगे वो लोग। उफ दादाजी उफ यार। किसकी कॉल है? नहीं कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। मुझे दिखाओ कौन है ये। नहीं मैं बंद कर देती हूँ ना। मैंने कहा दिखाओ मुझे। ये तुम्हें कॉल क्यों कर रहा है हाथ? काम के बारे में ही कुछ पूछना होगा। लेकिन तुमसे ही क्यों हयात? तुम बहुत गलत कर रही हो, बहुत गलत। हसीन क्यूट सी बेबी के लिए क्यूट सा ड्रेस, बिल्कुल मेरे जैसा खूबसूरत। मुझे तो ये बात सोचकर ही गुदगुदी हो रही है। मेरे बच्चे अभी कहाँ, कैसी बातें कर रहे हो, चलो जाओ यहाँ से। ओह कितनी प्यारी लगेगी ये पहन के हयात मुराद की बेबी, छोटी छोटी सी प्यारी प्यारी सी बेबी। जब हयात आएगी आते ही मेरा सरप्राइज देखेगी तो पागल हो जाएगी। टूवी हयात मेरा फोन नहीं उठा रही। हाँ तो कहीं बिजी होगी। मुझे जरूरी बात करनी है उससे। मुझे बता दो। ओह नो 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 नो, ये कोई आम बात नहीं जो तुम हैंडल कर सको, मुझे उससे हमारी नई डील के बारे में बात करनी है। कैसी न्यू डील? तो तुम नहीं जानती, हयात साठे छोड़कर मेरे साथ काम करेगी। क्या हम और तेज नहीं जा सकते मुराद? आखिर इस आदमी ने तुम्हें कॉल की क्यों? हाँ अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता, ऑफिस पहुंच के देखता हूँ इसे। क्या इस वक्त हमारे लिए इंपॉर्टेंट एमरे है? हमें दादा के पास पहुंचना है। वहां तुम बस पहुंचने वाले। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, या अल्लाह ये तो मौत का फरिश्ता लेने आ गया मुझे। हशमत दादा। ये तो मुझे दादा कह रहा, काश इसकी जगह मेरा पोता होता। अस्सलाम अलैकुम मलिकुल मौत, आ जाओ मैं तैयार हूँ। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन खालिद। क्या हुआ दादा? मैं मर रहा हूँ यहाँ, जल्दी कर मुझे हॉस्पिटल पहुंचा। आइए उठे दादाजी। मर गया मैं। ये सब अपना सामान पकड़ो और पैक करो इसे, अब यहाँ नहीं रहोगे, लंदन जाओ, बसरा जाओ, कहीं भी जाओ। मैं कहीं नहीं जा रहा टूअल। क्या किया है तुमने? तुम नहीं जानते हयात को और अपने आप को तुम बहुत बड़ी मुश्किल में डाल रहे हो। क्या मसला है? वो मेरे साथ काम करने पर राजी है। मैं नहीं मानती ये बिल्कुल, हो सकता है हयात अभी अपसेट हो, मुराद नहीं माफ करेगा कभी भी। मैं क्यों परवाह करूं इस बात की? क्या मतलब कि तुम्हें कोई परवाह नहीं है? तुम जो कुछ भी करने जा रहे हो वो दोनों तरफ से तबाही के अलावा कुछ भी नहीं है। हयात का पीछा छोड़ क्यों नहीं देते? मुझे उससे इश्क हो गया है, उसी के बारे में सोचता हूँ पूरा वक्त। बेहतर होगा
अभी के अभी निकल जाओ, यहाँ से दफा हो जाओ। मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। मैं जाऊंगा यहाँ से, लेकिन मैं हयात का साथ नहीं छोड़ूंगा, समझ गई? और याद रखना, उसके लिए हर किसी से लड़ जाऊंगा। भूल रहे हो कि वो शादीशुदा है। वो उस आदमी के साथ नहीं रहेगी। हाँ? बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने इसे बुलाया है क्यों यहाँ? क्यों बुलाया? एम्बुलेंस को आपने कॉल की थी? जी हाँ, वो हमारे दादा हैं। घर में कोई नहीं है। ये कैसे मुमकिन है? मेरी अभी हेडक्वार्टर में बात हुई है। हमसे पहले उनके दोस्त उनको आकर ले गए। कौन दोस्त? पता नहीं, हमें बस यही बताया गया है। वो ठीक तो होंगे ना? आप ज्यादा परेशान ना हो, मामूली फूड पॉइजन था। ठीक है, ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया जी। कोई बात नहीं, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मैं अंदर जाके देखता हूँ दादा का कुछ सामान ना रह गया। तुम गाड़ी में बैठो, आता हूँ मैं। गाड़ी वहां खड़ी है। मुझे दूर क्यों भेज रहे हो मुराद? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम अंदर जाओ। हाँ, मुझे तुमसे इजाजत लेनी है। क्या मुसीबत है हयात? आखिर तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनती हो? हाँ, सिर्फ बेवकूफी की बातें करते हो तुम। क्यों सुनू मैं? मत सुनो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एमरे वाली बात मैं नहीं भूलूं। हाँ, तो असल बात ये है, प्रॉब्लम एमरे है। क्यों नहीं होगा? अगर उसे कुछ काम है तो मुझे फोन करे। क्या पता मुझसे काम हो। एक बात कान खोल के सुन लो, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। क्या बिगाड़ा है उसने तुम्हारा? वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो सिर्फ मुझसे उस दिन का बदला ले रहा है और कुछ नहीं। भूल गई, यहाँ पंच मारा था मैंने उसके, और तुम उसकी बातों में आके बेवकूफ बन रही हो। मुझे बेवकूफ कहना बंद करो, बेवकूफ नहीं हूँ मैं। अगर तुम अकलमंद होती तो उसको औकात में रखती। और तुम कैसे कह सकते हो कि मैंने नहीं रखा? तस्वीर में तो ऐसा नहीं लगता है ना। ठीक कह रहा हूँ ना मैं? जाओ जाके गाड़ी में बैठो, मेरा दिमाग मत खराब करो। क्या मुसीबत है, यहां तो ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। हयात, 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 जल्दी आ जाओ, घर जाना है। हयात, मुझे बेवकूफ कहा, हूं मैं बेवकूफ? दरअसल वो ठीक कहता है, मैं भी तो बेवकूफों की तरह मुंह उठाकर चली गई एमरे के पास और उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। जरा सब्र नहीं से, हर वक्त बेकार की जिद करना, हद होती है जिद्दी लड़की। अब इसे क्या चाहिए? तुम्हें भी वेट करना पड़ेगा एमरे। हयात, चलो गाड़ी में बैठो। मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? गाड़ी में आके बैठो। जहाँ पर तुम ना हो मुराद। इस दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं, समझ में नहीं आई अभी तक? कब तक यूं ही पैदल चलोगी? जाना तो आखिर मेरे साथ ही होगा। आ...
मेरी बात सुनो, हर बात में जिद अच्छी नहीं होती, समझी? मुराद छोड़ो मुझे, चलो। नहीं चलना। चलो। उफ़, उफ़ मुराद। चलो बैठो अंदर। जा रहे हो, रास्ता तो उस तरफ है। क्यों ना हम दोनों एक दो दिन अकेले रहें? शायद हमारी यही प्रॉब्लम है कि हम लोग अकेले नहीं रहे। अपने घर आ गया। बैठ जाते हैं। दादा जान कैसे हैं आप? ठीक हूँ, अल्लाह ने करम कर दिया। ये पूछो कि इतने दिन मुझ पर बीती क्या है। बस बाबा, चाहे कुछ भी हो जाए अब बाहर का आप कुछ नहीं खाओगे, और वो चिकन को तो आप खैराबाद कह दो, हाथ भी नहीं लगाना उसे। कहते तो तुम ठीक हो, खालिद को तो कुछ दे दो। आपके इस खालिद को हमें दुआएं देनी चाहिए, अगर ये ना होता तो हम आपकी कब्र पर फातिहा पढ़ रहे होते। फरीदे, अभी मैं मरा नहीं हूँ, जिंदा हूँ। तुम क्यों मुझे मारना चाहती हो? देखो तो जरा, मैं क्यों मारना चाहूंगी आपको भला? मैं तो ये कह रही थी कि आप मरते मरते बचे हैं। अच्छा जाओ, मेरे लिए कॉफी बना कर लाओ। मैं लेकर आती हूँ कॉफी। ठीक है, तुम ही बना दो। इस लड़की को देख रहे हो, अकलमंद है ये बहुत। अपने लिए लड़का ढूंढ लिया आमिर। मैं भी अकलमंद हूँ ना दादा, मैंने आपकी जान बचाई है। इसमें कहने वाली क्या बात है बेटा, तुमने आज तक जो भी किया वो अपनी अकल से ही तो करते हो। हाँ, कुछ ज्यादा ही अकल है तुझमें, उसको इस्तेमाल भी किया करो। तुमने दरवाजा बंद कर दिया, शाबाश। अब हम अंदर कैसे जाएंगे? ये तो अभी खुल जाएगा। और वो कैसे होगा? सिर्फ मेरे तरीके से। अभी आप अपनी आंखों से खुद देखेंगी कि ये दरवाजा कैसे खुलता है। वैसे दादा ने अपने रहने के लिए काफी अच्छी जगह ढूंढी थी। जानू, लेकिन यहाँ बहुत अच्छा नहीं है, हमारी जरूरतें पूरी नहीं होंगी। मिसाल के तौर पर ये, क्या तुमने पहले कभी इसे इस्तेमाल किया है? इसका कोई मसला नहीं, इसे यही रहने दो, तुम खाना बना लो। मुराद सच में पागल हो गए हो तुम, चलो यहाँ से। पागल नहीं हुआ, तुम देखना हम दोनों यहाँ बहुत खुश रहेंगे, और वो भी अकेले। ये हमारा हनीमून होगा। बेवकूफाना बातें मत करो, कोई हनीमून नहीं है। थोड़ी देर पहले तो मुझ पर चिल्ला रहे थे मुराद, भूल गए हो क्या? मैं तुम पर नहीं चिल्ला रहा था, तुम जो कुछ कर रही थी उस बात पर मुझे गुस्सा आ रहा था। बस बहुत हो गया है, तुम हमेशा इसी तरह की बातें करते रहते हो। चलो ठीक है, अभी तुम आओ और यहाँ बैठो। बैठो ना। हाँ शाबाश, मैं बाहर से लकड़ियां लेकर आता हूँ ताकि हम दोनों मिलकर इस चूल्हे को जलाएं पहले। चलो ठीक है मेरी जान। शोहर साहब, अब आप जाइए और जाकर लकड़ियां लेकर आइए। बहुत आसान लग रहा है ना ये सब। हाँ, मैं तो तुम्हें बहुत टैलेंटेड समझता था, लेकिन आप तो ये चूल्हा नहीं जला सकती। बस इतनी सी बात, तुम्हें पता नहीं कितने टैलेंट है मुझ में। कहने से क्या होता है। ओ, 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 ओ।
तो तुम बैठकर मेरी मेहनत का मजाक उड़ा रहे हो? नहीं तो? तो मदद करो मेरी आकर। तुम्हें मदद की क्या जरूरत है, तुम तो बहुत अच्छा कर रही हो। पहली बार देखा है कोई लकड़ियां काटता हुआ, कितना अच्छा लगता है। वेरी गुड वेरी गुड, लगी रहो, शाबाश। कम से कम इन्हें उठाने में तो मदद करो। चलो ठीक है, लाओ मुझे दो। ये वाली ठीक है। तुमने अपने बेटे को कहाँ भेजा? तुम्हें लगता है तुम उसे पीछा छुड़ा लोगी? तुम ये क्या कह रही हो, पागल हो गई हो क्या? तुम्हारा बेटा पैसों से अयाशी कर रहा है, तुम्हें पता है मैं उसे ढूंढ लूंगी। सीढ़ियों से गिरकर भी तुम्हारी अकल ठिकाने नहीं आई अभी तक? बड़ी बहादुरी दिखाई इस घर में आकर। क्योंकि जो मेरा था वो मुझे चाहिए। क्या वाकई, वो भी मुझसे? ख्वाब देखना बंद कर दो। अपना पैसा लेकर रहूंगी मैं। हम दोनों ये बात जानते हैं कि पैसे तुम्हारी प्रॉब्लम है ही नहीं। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम किस नजर से देखती हो मेरे बेटे को, वो भी उस लम्हे से जब तुम उसके साथ काम करती थी। तुम उसे अपना बनाना चाहती हो ना? मैं तुम्हें इस प्लान में कामयाब नहीं होने दूंगी। देखा जाएगा, बेहतर यही है कि तुम मुझे इस घर में कबूल कर लो। गजल, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं अजमी मैडम, हम दोनों ठीक हैं। ठीक है, मैं बाहर जा रही हूँ, कुछ देर तो सुकून से रहूंगी। गुड बाय। ये क्या चीज है? तुम्हें भूख लगी थी ना? पास्ता है। कुछ और बना लेती इसके अलावा। अगर सामान होता तो बनाती। मुझे अच्छा नहीं लगता। जिन मुर्गी की हड्डियों से दादाजी की तबीयत खराब हुई थी वो रखी हुई हैं। खाना चाहोगे तुम? मुराद, कुछ रूम सर्विस तो मिलनी चाहिए क्योंकि हम हनीमून पर हैं। तुम्हें नहीं लगता कुछ स्पेशल ड्रिंक्स होनी चाहिए हमारे लिए? फिलहाल तो सबसे स्पेशल मेरे लिए ये वक्त है जो मैं गुजार रहा हूं। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि इस वक्त तुम मेरे साथ हो। मैं कुछ खाने के लिए लेकर आता हूं, मत खाना तुम ये। ये फिर कॉल कर रहा है तुम्हें? अब देखो मैं क्या करता हूं। ये तुमने क्या किया? इसने दोबारा कॉल क्यों की? मेरी क्या गलती है बताओ, मेरा फोन क्यों फेंका तुमने? ये फोन मुझे दो, यहां लाओ। ये फोन मुझे दे दो, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा वरना। जैसे मुझे कोई परवाह है, तुम्हारा दिमाग वैसे ही खराब है। हयात, मुझे ये फोन तोड़ना है ताकि वो दोबारा कॉल ना कर सके। जा रही हूँ अब मैं, गलती की यहाँ वापस आकर। जाना है तो चली जाओ, तुम्हारी सुई वही अटकी हुई है। जाना चाहती हूँ मैं क्योंकि मैं तुमसे लड़ नहीं सकती मजीद। लेकिन मैं लड़ सकता हूँ। तुम्हें जाना है चली जाओ, मैं यहाँ अकेला रहूंगा मजे से। तुमने मुझ पे कीचड़ फेंकी? हाँ फेंका मैंने, दोबारा फेंकूंगी, ये तो सिर्फ डेमो था। हयात हयात, ऐसा मत करो। मैं भी फेंक सकता हूँ। ये लो। तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। अच्छा अच्छा, बस 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 बस, मेरी बात सुनो। तुम्हें मैं आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, अगर अब कीचड़ फेंकी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगी। हयात हयात, उतरो उतरो, नीचे गिर जाएंगे। उतरो हयात, गिर जाएंगे आप। बस बहुत हो गया है, बहुत हो गया है मुराद। अभी तो खेल शुरू हुआ है, बताता हूँ तुम्हें। क्या कर रहे हो, मेरे बाल गंदे हो रहे हैं, हटो। तुम आखिर चाहते क्या हो मुझसे? हाँ
तुम क्या चाहती हो? तुम जानती हो तुम्हारी इन हरकतों से कितनी अज़ियत होती है मुझको? अज़ियत तो मैंने सही है मुराद साहब, तुम्हें क्या पता अज़ियत किसे कहते हैं? अच्छा अच्छा, मुझे नहीं पता अज़ियत किसे कहते हैं जो इतनी अज़ियत उठाता है। दुनिया के सबसे बड़े झूठे हो तुम, झूठे हो तुम, झूठे हो मुराद, झूठे हो। झूठा कह रही हो, सबसे बड़ी झूठी तुम हो। शर्म तो नहीं आ रही तुम्हें अपने मियां को झूठा कहती हो? अभी बताता हूँ, अब दिखाता हूँ मैं कि झूठा क्या कर सकता है। झूठा हूँ मैं, ये लो ये लो, बस करो मुराद, हट जाओ यहाँ से, तुम हटो मुझसे। तो काफी बेहतर है अब आपकी तबीयत। वो अजमी ने तुम्हें फोन नहीं किया ना? वो ज्यादा परेशान तो नहीं हुई होगी? आई थी बाबा, मैंने उन्हें बता दिया कि आप वहां बिल्कुल खैरियत से हैं। मुझे कॉल क्यों नहीं की? पता नहीं मुझे। मैं देखती हूं। आइए आइए। आइए अजमी साहिबा, आपको यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई। मुझे भी। कैसे हो तुम लोग? बिल्कुल ठीक हूँ, आप तशरीफ रखिए यहाँ। कैसे हैं हशमत साहब, तबीयत तो ठीक है? नहीं, अभी खराब है, पूरी तरह ठीक नहीं हुआ। लेकिन बाबा आप तो अभी यहाँ। मैंने कहा था कि कॉफी नहीं पीऊंगा, उठाओ इसे, मेरी हालत कॉफी पीने जैसी है। बहरहाल अल्लाह ताला ने बहुत करम कर दिया, और दोबारा ऐसे बगैर बताए कहीं नहीं जाइएगा। फिकर थी तुम्हें? हाँ, क्यों नहीं होगी। वो मेरी फिकर थी या मेरी बीमारी की? अरे ये आप कैसी बातें पूछ रहे हैं? कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ लिया। ये कुछ मिठाई लाई हूँ मैं, हशमत साहब को पसंद है ना, इन्हें दे देना। आपने इसकी जहमत क्यों की अजमी साहिबा? वो मिठाई तो मैं नहीं खा सकता। ये लड़की जो ना करे कम है, क्या हालत कर दी मेरी। अब ये नया ड्रामा क्या रचाया हुआ है हाथ, क्या है ये सब कुछ? मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, और ना ही तुम्हें रात भर बैठ के देखना चाहती हूँ। फिर तो मैंने बहुत अच्छा किया तुम्हें कीचड़ में नहला के। तुम अपनी नजरें हटा सकते हो? मुमकिन नहीं, मुश्किल काम है। लेकिन ये पर्दा यहां इसीलिए है। हाँ, लेकिन वो चूल्हा तो तुम्हारी तरफ है और खाना मेरी तरफ, चाहो तो सुलह कर लो। ऐसा है, सुलह और तुमसे कभी नहीं। तो फिर पड़ोसी बन जाओ। हाँ, मजाक अच्छा कर लेते हैं। हाँ? तो अब मैं क्या करूं, मुझे मुंह धोना है? नहीं धो सकते, इलेक्ट्रिक गीजर नहीं है। मोमबत्ती तो है और पानी भी है, तो गर्म कर लेते हैं। वैसे मैं जो भी करता हूं वो दामाद जी के लिए अच्छा हो जाता है, वो मेरे ही घर पे ठहरे हैं। उनके दादा जान है ही इतने अच्छे। हम दोनों यहां अकेले रह गए, और वहां हयात पहाड़ों पे गई है। हाँ, बहुत मजे कर रही होगी और खुश भी होगी। आप कुछ खाते क्यों नहीं हशमत साहब?
भूख नहीं है अजमी, मुझे आराम करना है जाके। वो आप लोगों की इजाजत से। हशमत साहब, मैं आपको कुछ देना चाहती हूँ। इसे वहां रख दो। वहां नहीं रख सकती, अपना हाथ आगे लाइए। भूल गए थे आप इसे। मैं भूला नहीं था, छोड़ दी थी। अजमी, अब इन चीजों की कोई हैसियत नहीं। क्या मतलब इन बातों का? हाँ, जब मैं पहाड़ों पर था तो मैंने सोचा कि तुम ठीक कहती हो। अब इस उम्र में हमें ये चीजें जेब नहीं देती। मतलब? मतलब हम जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं। हमारे नसीब में नहीं है एक होना। ठीक है, मैं इजाजत चाहूंगी। दादा जान, ये क्या कर दिया आपने? दादा जान, अब भी वक्त है, आप रोक लें उन्हें। मत रोकना, उसका जाना ही अच्छा है। यार लफ्जों में कहां। किसकी कॉल है ये? उसकी कॉल है जिससे मेरी नफरत है। उसे मालूम है ना कि तुम मेरे साथ हो, फिर भी वो कॉल कर रहा है। तुमने अपना बदला लेने के लिए उस एमरे को अपने साथ मिला लिया। मुझे तकलीफ देने के लिए तुम उसके साथ काम करोगी? हाँ, कैसे? मैं हरगिज़ तुम्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहता था। मैं क्या करूं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ यार। होश में आओ यार, प्लीज होश में आओ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकूंगा यार। होश